स्थिति पर देश के गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था। लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है, इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा, मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में माँ भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत माँ की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है,
वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मन मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए लोगों ने। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी जो भारत के टुकड़े होंगे। ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये सपना देखने वालों का जो लोग समर्थन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको, जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दें। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछें एक कच्छ तिबू क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तिबू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तिबू क्या है और ये कच्छ तिबू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख कर करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तिबू वापिस ले आइए। एक कच्छ तिबू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीन प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन के सामने।
और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है। वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं और वो घटना है 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे, उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा, लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे, ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चुभता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय